आज मैं हिंदी व्याकरण में आपको क्रिया के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है। देखिए सबसे पहले क्या है क्रिया की परिभाषा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। वाक्य में क्रिया का क्या महत्व है, सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य में क्रिया का क्या महत्व है। किसी भी वाक्य में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होती। पहला महत्व है कि यह क्रिया किसी भी वाक्य में होना बहुत जरूरी है, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूर्ण। दूसरा है कि क्रिया शब्द के द्वारा ही हमें कर्ता और कर्म के लिंग और वचन के बारे में पता चलता है। क्रिया शब्द के द्वारा हमें कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का बोध होता है। तीसरा है क्रिया के द्वारा ही या शब्द के द्वारा ही हमें काल का पता चलता है, या शब्द के द्वारा हमें काल का पता चलता है वाक्य में। फिर क्रिया शब्द के द्वारा ही वाक्य क्या होता है, अंत होता है, यानी कि क्रिया के द्वारा वाक्य का अंत होता है। कहने का मतलब है कि क्रिया शब्द जो है वाक्य के अंत में लगाया जाता है। पांचवा इसका विशेषता महत्व है वह क्या है कि कोई भी क्रिया शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन होना, यानी कि विकारी शब्द वे हैं जो लिंग वचन और कारक और काल के अनुसार अपना रूप बदलते हैं। तो क्रिया शब्द जो है लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। तो किसी भी वाक्य में क्रिया का क्या महत्व है ये हमने जाना। पहला क्या है कि क्रिया का होना वाक्य में बहुत जरूरी है, इसके बिना वाक्य पूर्ण नहीं होती है। दूसरा है कि क्रिया के बिना हम किसी भी कर्ता या कर्म के लिंग और वचन का वचन को नहीं जान सकते हैं, यानी क्रिया कर्ता और कर्म के लिंग वचन का बोध कराता है। कर्तक के द्वारा क्रिया के द्वारा ही हम लोग काल को जानते हैं या काल का पता चलता है। क्रिया के द्वारा क्रिया जो है वह वाक्य के अंत में लगाई जाती है, और यह क्रिया जो शब्द है वह विकारी शब्द होती है जो कि लिंग वचन काल और कारक के अनुसार अपना रूप बदल देते हैं। तो आइए आज हम क्रिया को पढ़ने से पहले धातु को जानते हैं, धातु के बारे में जानते हैं। क्रिया को जानने से पहले या के बारे में आगे पढ़ने से पहले हम लोग धातु को जानेंगे। धातु क्या है, धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी भी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और धातु में जब नाम प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाता है तो वह धातु का सामान्य रूप हो जाता है। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं यहाँ पढ़ धातु है और उसने हम लोग नाम प्रत्यय लगाए। किसी भी धातु में नाम प्रत्यय लगाने से उसका वह सामान्य रूप बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पढ़ धातु है और धातु में हम लोग नाम प्रत्यय लगा दिए हैं तो यह पढ़ना हो गया, सामान्य रूप हो गया, धातु का सामान्य रूप हो गया। आइए हम लोग देखेंगे धातु के चार भेद। धातु के चार भेद हैं, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। सामान्य धातु जैसे हमने देखा यहाँ पर कि किसी भी मूल धातु में नाम प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, सामान्य धातु बनता है। जैसे लिख जोड़ नाम, या लिख धातु है नाम प्रत्यय लगा दिए तो लिखना। उसी तरह से पी जोड़ नाम, यानी कि पी धातु है और नाम प्रत्यय है पीना। अब हम लोग देखेंगे व्युत्पन्न धातु क्या है। व्युत्पन्न धातु किसे कहते हैं, जहाँ पर वाक्य क्रिया में या धातु में सामान्य धातु में प्रत्यय लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर पढ़ना लिखना खाना पीना हम लोग शब्द बनाए सामान्य धातु, और सामान्य धातु में यदि हम कोई अन्य प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या बनता है।
देना में हम लोग सामान्य धातु में जब हम लोग माना प्रत्यय लगाए तो ये हो गया दिलवाना। तो इस तरह से ये जो दिलवाना शब्द है ये व्युत्पन्न धातु है। आगे हम देखेंगे नाम धातु। नाम धातु क्या है? जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है तो नाम धातु बनता है। जब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है? नाम धातु बनता है। जैसे यहाँ पर बात, बात क्या है? सामान्य, सामान्य यानी कि बात नाम है और नाम में संज्ञा है और बात के अनुसार जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इयाना प्रत्यय लगाते हैं, बात और इयाना। तो बात में जब इयाना प्रत्यय लगा दिए तो क्या हो गया? बतियाना। अब आइए देखें ये बतियाना शब्द जो है वह क्या है? नाम धातु है। इसी तरह से हम देखेंगे फिल्म, फिल्म संज्ञा है। संज्ञा में हम क्या करते हैं? आना प्रत्यय लगा देते हैं। जब आना प्रत्यय लगाते हैं फिल्म में तो क्या हो जाता है? फिल्माना। अर्थात ये फिल्माना जो है वह क्या है? नाम धातु शब्द है। आइए हम देखेंगे मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? जब संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है तब क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। जब संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाया जाता है तब क्या बनता है? मिश्र धातु बनता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं यहाँ पर शर्म, शर्म क्या है? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा शर्म। तो जब ये शर्म शब्द में हम लोग आना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होता है? सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या है? शर्म आना, शर्माना। तो यहाँ पर ये हो गया मिश्र धातु शब्द। बुरा जो होना, बुरा होना, ये क्या है? मिश्र धातु। इसके बाद हम लोग देखेंगे धातु तो हम लोग जान जाए, आइए अब हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया के बारे में, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है? जब वाक्य में क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग करते हैं और उस क्रिया के प्रयोग के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, बच्चा दौड़ रहा है, यहाँ पर बच्चा करता है और दौड़ रहा है, ये क्रिया है। अब यहाँ पर देखते हैं मोहन हंस रहा है, यहाँ पर मोहन क्या है? हंस रहा है, मोहन करता है और ये क्रिया है, हंस रहा है क्रिया है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग बच्चा और दौड़ना दोनों के बीच में ये कर्ता और क्रिया, क्रिया के बीच में हमें किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोहन हंस रहा है, मोहन हंस रहा है, मोहन और हंसना, हंस रहा है के बीच में किसी भी क्रिया शब्द, किसी भी कर्म शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है क्या? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को कैसे हम पहचानेंगे? वाक्य में अकर्मक क्रिया, क्रिया जो है वो अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया, ये हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए तरीका क्या है कि वाक्य में जो वाक्य दिया हुआ है उस वाक्य में हम लोग क्या शब्द लगाकर क्वेश्चन बनाएंगे, सवाल बनाएंगे, क्या या किसे या किसको, क्या किसे या किसको लगा करके हम यदि सवाल बनाते हैं और उस सवाल का उत्तर उस वाक्य में नहीं मिलता है तब वो क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है, कर्म नहीं मिलता है तब वो अकर्मक क्रिया होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग इसमें सवाल पूछते हैं, बच्चा क्या हंस रहा है? दोनों के बीच में अगर हम सवाल करते हैं बच्चा क्या हंस रहा है, बच्चा क्या दौड़ रहा है, तो उसके सवाल का कोई जवाब हमें नहीं मिलता। तो यह क्या है? इसमें कर्म नहीं है और ये क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब दूसरा हम देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है, बिना कर्म के क्रिया हो सकती है पूर्ण, लेकिन जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग में
पिताजी जलेबी खा रहे हैं, यहाँ पिताजी करता है और खा रहे हैं क्रिया है, और दोनों के बीच में हमें एक कर्म मिला है, वो क्या है? जलेबी। अब इसको हम सवाल पूछते हैं तो हमें सब इसको जब हम सवाल बनाते हैं क्या से, तो क्या करने से क्या होगा? पिताजी क्या खा रहे हैं, कर्म के जगह में हम लोग सवाल पूछ रहे हैं पिताजी क्या खा रहे हैं, तो उस क्या शब्द का हमें क्या मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसका जवाब मिल रहा है क्या? जलेबी खा रहे हैं। तो यहाँ जलेबी शब्द जो है वह क्या है, क्या शब्द का हमें उत्तर मिला, क्या मिला? जलेबी। और इसलिए ये जलेबी शब्द जो है वो क्या है? कर्म है। तो इस वाक्य में क्या है? कर्म है, इसलिए यह वाक्य क्या है? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक क्या है? एक कर्मक क्रिया और एक कर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। अब ये क्या है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया सबसे स्पष्ट है, जिस वाक्य में क्या हो? एक ही कर्म, जिस वाक्य में एक कर्म हो तो वह क्या कहलाता है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं बच्चा दूध पी रहा है, इस वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म, एक ही कर्म है, इसलिए क्या है? ये दूध सिर्फ एक कर्म है, यहाँ पर बच्चा और पी रहा है, दोनों के बीच में सिर्फ एक ही कर्म है और इसलिए यह क्या है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। अब द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म लगते हैं, यानी दो कर्म साथ में पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे मैं राम को पत्र लिख रहा हूँ, यहाँ मैं कर्ता है और लिख रहा हूँ क्रिया है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर दो क्रिया, दो क्रिया नहीं दो कर्म, इन दोनों के बीच में दो कर्म है। राम को जैसे हम लोग सवाल करते हैं किसको, परेशानी करने किसे, किसे या किसको, और क्या से सवाल करते हैं, तो यहाँ पर मैं राम को, किसको? राम को पत्र लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? पत्र लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर दो कर्म है, एक कर्म है राम को और दूसरा कर्म है पत्र, तो इस तरह से ये क्या है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। देखेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं कितने? छह भेद, रचना के आधार पर क्रिया के छह भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है प्रेरणात्मक क्रिया, तीसरा है संयुक्त क्रिया, चौथा है नाम धातु क्रिया, पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया और छठा है विदंत क्रिया। अब हम सबसे पहले देखेंगे सामान्य क्रिया। जब वाक्य में क्या किया जाता है? एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ, जब वाक्य में सिर्फ एक क्रिया होते हैं, एक ही क्रिया जब वाक्य में होती है तो वह सामान्य क्रिया, जैसे राम आम लाया, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिया है लाया, सिर्फ एक ही क्रिया है सामान्य, इसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया जिस वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया हो वो सामान्य क्रिया। दूसरा है प्रेरणात्मक, प्रेरणात्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से काम को कराता है, जिस वाक्य में कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे से काम को कराता है तो वह कहलाता है प्रेरणात्मक क्रिया। जैसे माँ ने पुत्र से आम मंगवाया, यहाँ पर माँ ने आम लाने का काम नहीं किया लेकिन दूसरे से करवाया, अपने पुत्र से करवाया, मंगवाया, इसलिए ये क्या है? मंगवाया शब्द जो है वह क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया। संयुक्त क्रिया जहाँ पर वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं तो वो
जैसे यहाँ पर आप उदाहरण देखेंगे, कल अतिथि चले जाएंगे, यहाँ पर दो क्रिया है, चले जाएंगे, एक मुख्य क्रिया है और दूसरा सहायक क्रिया है। चले केवल कहेंगे तो वो पूर्ण नहीं होता है, तो दूसरा और एक क्रिया लगा, जाना जाएंगे, तो चले जाएंगे, ये मुख्य क्रिया हुआ, ये सहायक क्रिया हुआ। तो यहाँ पर वाक्य में दो क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं, तो चले जाएंगे, ये क्या है, संयुक्त क्रिया, दो क्रियाएं एक साथ वाक्य में साथ साथ चल रही हैं। अगला है नाम धातु क्रिया। अब जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने क्रियापद पाए जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बने क्रियापद पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, नाम धातु कहा जाता है। जैसे उसने मोहन का सारा धन हथिया लिया, यहाँ पर हथियाना, हथिया लिया, ये क्या है, नाम धातु। जैसे हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है, और इया, इया प्रत्यय लगा दिए तो हो गया हथिया। तो ये जो है हथियाना ना, अगर इयाना लगाते तो हथियाना हो जाता, लेकिन यहाँ पर वाक्य के अनुसार लिया है इसलिए हथिया लिया, ये हथियाना जो है या हथिया शब्द संज्ञा के साथ लगा है। इस तरह से अगला जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, अगला भेद है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जहां पर वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले कोई क्रिया हो चुकी होती है, जहां पर वाक्य में एक क्रिया से पहले और एक क्रिया हो चुकी होती है, मुख्य क्रिया से पहले और एक क्रिया हो चुकी होती है, तो वह क्या कहलाता है, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे सुनीता खेल कर थक गई, यहाँ पर मुख्य क्रिया थक गई है, और इस थकने के पहले और एक क्रिया हुआ है, वह क्या है, खेल कर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये खेल कर शब्द जो है वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया को दर्शाता है। उसके बाद अंत में देखेंगे कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है, जब धातु शब्द में ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय लगाकर शब्द बनाया जाता है या क्रिया बनाया जाता है तो वो कहलाता है क्या, कृदंत क्रिया। जब धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाते हैं तो सामान्य क्रिया हो जाता है, लेकिन यदि ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय लगा करके क्या किया जाता है, जब क्रिया शब्द बनाया जाता है तो वो कहलाता है कृदंत क्रिया। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर हम देखते हैं पढ़, पढ़ धातु है और यहाँ ना नहीं क्या है, ता प्रत्यय, तो पढ़ जोड़ता प्रत्यय लग गया, क्या हो गया, पढ़ता। या इसी